आज हम बनाएंगे व्रत के लिए मखानों की खीर। मखाने की खीर बनाने के लिए ये मैंने 1 कटोरी मखाने लिए हैं, 4 कटोरी दूध लिया है, थोड़ी सी केसर लिए हैं और 6-7 बादाम में बारीक टुकड़े में काट लिए हैं। ये मैंने गोला का सवा लिया है। हम एक कढ़ाई में घी गरम करेंगे, इसमें मखाने डालेंगे और 1-2 मिनट मखानों को भूनने के बाद में इसमें हम बादाम डालेंगे और जो हमने गोला कसकर रखा हुआ है गोला डालेंगे। दो तीन मिनट हम मखानों को गोला और बादाम के साथ अच्छे से भूनेंगे। ये हमारे मखाने अच्छे से भुन गए हैं। इसमें हम दूध डालेंगे, आंच मीडियम रखेंगे। और 4-5 मिनट हम खीर को बनने देंगे। चार पाँच मिनट हो गए हैं। हम मखाने की खीर में चीनी डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच चीनी डाली है। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आप 1 चम्मच ही डाल लें। चीनी डालकर खीर को अच्छे से मिक्स करेंगे। वो 3-4 मिनट हम चीनी डालकर खीर अच्छे से उबालेंगे, जिससे कि हमारी चीनी खीर में अच्छे से घुल जाए और हमारी खीर कुछ गाढ़ी सी भी हो जाए। खीर को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। जब भी आप व्रत रहे इस खीर को व्रत में जरूर बनाएं। यह हेल्थी और टेस्टी खीर आपको जरूर पसंद आएगी। तीन चार मिनट में हमारी चीनी अच्छे से घुल जाएगी। ये देखिए, ये हमारे मखाने की खीर तैयार है। मखाने की खीर ये बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। हम गैस बंद कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी मखाने की खीर तैयार है।